भगवान की महिमा देखिए, आपके यज्ञ से प्रसन्न होकर उन्होंने आपको पुत्र के साथ साथ पुत्री प्रदान किए। महाराज, अग्नि से उत्पन्न आपका यही यशस्वी और योद्धा पुत्र द्रोण का वध करेगा, और प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न आपकी ये पुत्री जिसका वर्ण श्याम है, इसका नाम होगा कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा। पुत्री, तुम्हारे समक्ष साक्षात मुरलीधर श्री कृष्ण उपस्थित है। गोविंद, आज्ञा हो तो राजमहल को प्रस्थान करें, आइए। कृष्ण के साक्षात दर्शन पाकर हमें ऐसा अनुभव हुआ मानो हमने अमृत में मदिरा मिलाकर पी ली हो। क्या मनोहर रूप है, क्या सम्मोहन है उनका। इन कुछ पलों में हमें ऐसा लगा मानो अपने सारे पुण्य एक साथ कमा लिए हो। सखी, महाराज कृष्ण के मुख पर शिशु के समान निश्चलता देख मेरा हृदय पवित्र हो गया। शिव शिव शिव, ये क्या राजकुमारी? अपने शरीर पर गिरे हुए फूलों से कृष्ण की चरण वंदना कर दी। हे राम, मैं भी क्या करती, वो ऐसे अकस्मात आ गए, हमें कुछ समझने का अवसर ही नहीं मिला। परंतु अब मैं स्वयं लज्जा और पश्चाताप में डूब रही हूं। सखी, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है, गोविंद का रूप ही ऐसा है। उन्हें देखते मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी अपना सुदबुद्ध खो बैठते हैं। उनका दिव्य रूप देख के आप इतनी खो गई होंगी कि आपको सुध ही नहीं रही होगी। क्या कहूं, कैसा रूप, हम तो उन्हें देख ही नहीं पाए। हमने तो केवल उनके चरणों के दर्शन किए। उनका इस तरह अकस्मात आ जाना, मेरा उनके इतने पास प्रस्तुत रहना, इस सबसे मैं इतना रोमांचित हो गई कि कुछ समझ ही नहीं आया। हमारी दृष्टि तो केवल उनके कमल समान सुंदर चरणों में ऐसे बन गए कि वहां से उठी ही नहीं। राजकुमारी सोचिए, जिनके चरणों में इतना आकर्षण है, जब उनका मुख दर्शन होगा तो आपकी क्या स्थिति होगी। राजकुमारी, आप यहां अर्धरात्रि के समय लिख रही हैं। यहां अधिक समय तक रुकी तो ठंड लग जाएगी। अच्छा, कहीं ये सब एक बहाना तो नहीं अस्वस्थ होने का, जिसके उपरांत महाराज श्री कृष्ण को पुनः लेकर दौड़े चले आए। कुहू, हमारी व्यथा तो तुमने देखी नहीं, और चलिए उपहास कर। मैं कविता नहीं लिख रही, मैं तो इस पत्र द्वारा श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर रही हूं।
हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमने अपने शरीर के फूलों को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। एक क्षमा प्रार्थी के रूप में इस पत्र में उन्हें अपने हृदय की भावनाएं लिख रही हैं। अरे वाह, हम नहीं देंगे सखी, हम अभी कृष्ण को सौंप कराएंगे। हम नहीं देंगे, कुहू हमारी बात मान। एक बार भाई हाथ नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुहू कुहू हम नहीं देने वाले। अब बस भी करो कुहू। राजकुमारी ये क्या, इस पत्र में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है, केवल कृष्ण का नाम है इसमें। क्षमा याचना कहाँ है? आपकी राजकुमारी की एक शिकायत करना चाहता हूँ। आपकी राजकुमारी ने सारी रात हमें सोने ही नहीं दिया। अब पत्र समाप्त करें। हम तो केवल परिहास कर रहे थे। हम कहाँ जा सकते हैं श्री कृष्ण के कक्ष में? हम तो ठहरे एक सामान्य परिचारिका। हाँ, राजकुमारी अवश्य जा सकती है प्रिय कृष्ण के कक्ष में। मुझसे नहीं होगा। राजकुमारी ये तो आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं। व्यर्थ की बातें छोड़ो और हमें श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, जिज्ञासा? हाँ बताओ ना। हाँ हाँ बताते हैं। अब हमारी राजकुमारी की ऐसी अवस्था हो गई है श्री कृष्ण प्रेम में, तब तो हमें बताना ही होगा ना। परंतु हमें समझ पाते श्री कृष्ण के बारे में पता नहीं, जितना ज्ञात है उतना बता देती हूँ। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था, परंतु लालन पालन यशोदा माँ के पास गोकुल में। कुछ वर्ष उपरांत जब श्री कृष्ण बालक ही थे, राजकुमारी कि बचपन में महाराज श्री कृष्ण बहुत बड़े चोर थे। क्या चोर? महाराज कृष्ण चोर थे? ये क्या उपहास है? हम कोई उपहास नहीं कर रहे हैं। उनके चोरी के किस्से तो पूरे वृंदावन में चर्चित हैं। और पता है राजकुमारी वे क्या चुराते थे? मक्खन। उन्हें मक्खन अत्यंत पसंद था। उनकी इसी लत से माता यशोदा और गोकुल की बाकी स्त्रियां चिंतित रहती थी। ना जाने कितने उपाय किए जाते थे पूरे गोकुल में ताकि बाल कृष्ण अपने मित्रों के साथ मक्खन ना चुरा सके, किंतु कृष्ण की विलक्षण बुद्धि के आगे किसी की नहीं चलती थी और वह मक्खन ले उड़ते थे। राजकुमारी, श्री कृष्ण के लीलाएं और उनकी महान गाथाओं को जानने के लिए और सुनने के लिए कई जन भी कम पड़ सकते हैं। अब हमने आपको प्रभु के विषय में बता दिया, अब इससे आपको कुछ योगदान मिलता है तो आप अपने कविताएं या रचनाएं में श्री कृष्ण के संदर्भ में लिख सकती हैं। कृष्ण कृष्ण
होगी राजकुमारी कि बचपन में महाराज श्री कृष्ण बहुत बड़े चोर थे। और पता है राजकुमारी वे क्या चुराते थे? मक्खन। ये मैं क्या कर रही हूँ इतनी रात में? कहीं मेरे कारण उन्हें कष्ट तो नहीं होगा? अपने शरीर का फूल उन्हें अर्पित करके मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित उनका मनपसंद भोज्य पदार्थ उन्हें प्रदान करके हो सकता है। यदि हमने उन्हें पुकारा तो उनकी निद्रा में विघ्न पड़ेगा, अतः हम माखन का ये कटोरा यही चुपचाप कक्ष में रख देते हैं। कौन? हे शिव, अब ये माखन श्री कृष्ण को कैसे प्रदान कर सकते हो? इसकी कुछ बूंदें तो धरती पर गिर गई है।